एक औरत जिसका नाम वेना होता है वो अपने कमरे में बैठकर मेकअप कर रही होती है जो कि सभी औरतों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वेना की नजर जब अपने गार्डन में जाती है तो वो वहाँ पर किसी आदमी को खड़ा हुआ दिखती है जिसने कि अपने सर को ढका हुआ था और उसके सर के चारों ओर जंजीर बंधी हुई थी। सच में वो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और क्रीपी लग रहा था। वेना तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। तभी वेना को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसके और उसके भाई जिम के बारे में पूछते हैं कि वो सब ठीक है कि नहीं। लेकिन वेना अपने डैड को बताती है कि उनके गार्डन में एक अजीब टाइप का आदमी खड़ा हुआ है और वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। जब वेना के डैड को इस बारे में पता चलता है तो वो वेना को उस आदमी से नजर ना हटाने के लिए कहते हैं और अगर वेना ने उस आदमी से नजर हटा लिया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। और उसके डैड जल्द से जल्द वहाँ आने वाले थे तो वो फोन भी रख देते हैं। वेना अब काफी ज्यादा डर गई थी तो वो अपने भाई जिम को जल्द से जल्द बुलाती है और उसे घर के सारे डोर्स लॉक करने के लिए कहती है। लेकिन जिम तो अपनी ही मस्ती में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेना आखिर ऐसा क्यों बोल रही है। जिम वेना की बात नहीं मानता और उसे देखने के लिए चला जाता है। वो भी उस गार्डन में देखने लगता है जहाँ पर वो क्रीपी आदमी खड़ा हुआ था और अब जिम ने भी उस आदमी को देख लिया था। तो वेना उसे बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस आदमी से नजर नहीं हटाना है नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा उसके डैड ने कहा था। तो जिम भी उस आदमी को देखने लगता है। यहाँ पर वेना घर के सारे डोर्स लॉक करने के लिए चले जाती है। उन दोनों को लग रहा था कि उनमें से अगर कोई भी एक उस आदमी को देखता रहेगा तो वो लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वेना घर के दरवाजे को बंद करके आ जाती है तो जिम तभी भी उस आदमी को देख ही रहा था और जब वेना वहाँ जाकर देखती है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था और वो जिम पर चिल्लाने लगती है कि उसने क्यों उस आदमी को देखना बंद कर दिया। पर जिम को तो अभी भी वो आदमी दिख रहा था, यानी कि सिर्फ वेना ही उसे देख नहीं पा रही थी। वेना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो क्रीपी आदमी उसके पीछे खड़ा रहता है। वेना जब पीछे देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस क्रीपी आदमी को इतने पास से देखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो अपने भाई जिम को भी बताती है। लेकिन जिम उस गार्डन में खड़े हुए आदमी पर से नजर नहीं हटाता। वेना यहाँ पर डर कर एक कोने में चले जाती है और अपने ड्रॉअर में से एक टेप निकालती है जिससे कि वो उस आदमी का आंख कवर कर सके और वो ऐसा ही करती है। उसे लग रहा था कि जब वो आदमी उसे देख नहीं पाएगा तो वो उस पर अटैक भी नहीं करेगा। और इसके बाद वो अपने डैड को कॉल लगाने चले जाती है पर तभी वो आदमी पीछे से वेना पर हमला कर देता है और वेना के काफी ज्यादा चिल्लाने से उसका भाई जिम भी वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को उससे दूर करने लगता है। अब जिम और वेना काफी ज्यादा डर गए थे और वो क्रीपी आदमी उनके सामने ही था, पर तभी वहाँ पर उनके डैड आ जाते हैं और वो उस आदमी को देख लेते हैं। वो एक छोटा सा मिरर निकालते हैं और उस आदमी को उसी का रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं जिससे कि वो आदमी वाइब्रेट होने लगता है और उस मिरर के अंदर चले जाता है। वेना के डैड तुरंत उस मिरर को तोड़ देते हैं और वो आदमी भी खत्म हो जाता है। वेना तो काफी ज्यादा डर गई थी इसीलिए वो अपने डैड को गले लगा लेती है क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं आते तो वो आदमी उन दोनों को ही मार देता। पर जिम जब गार्डन में जाता है उस आदमी को देखने के लिए तो वो वहाँ से गायब हो चुका था और जब ये बात वो अपने डैड को बताता है तो उसके डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बताते हैं कि जब वेना ने उस आदमी से नजर हटाई थी और डोर लॉक करने चली गई थी तो वो आदमी अंदर आ चुका था और जिम ने जब उस आदमी को देखना स्टार्ट किया था तो उस आदमी का एक डुप्लीकेट बन गया था जो कि हर देखने वालों को अलग ही अलग दिखता था। मतलब कि जिम ने जिस आदमी से नजर हटाई थी वो अभी भी जिंदा था और वो जिम को मारने जरूर उसके पास आएगा। उनके डैड उन दोनों को बताते हैं कि वो आदमी इस घर में उनके माँ के मरने के बाद आया था और वो तभी से उन सभी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है और शायद से वही आदमी उनका वेट कर रहा था। वो आदमी काफी ज्यादा दूर से उन सभी को देख रहा था और वो जिम को मारने जरूर आएगा। और हमारी ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।